أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दोस्तों लाइव स्टॉक के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। आज आपसे जो चीज़ मैंने शेयर करनी है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इस हवाले से कि आप जानवरों का गोश्त और दूध बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वंडा क्या होना चाहिए, उसकी हमने वीडियोस आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेहत का शेड्यूल क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, वो भी हम शेयर करते रहते हैं। आज हम आपसे एक मसाला शेयर कर रहे हैं जो मिक्स मसाला है, जिसमें सब चीज़ें भी शामिल हैं और कुछ खुश्क चीज़ें भी शामिल हैं। 14 आइटम्स हैं ये, अगर आप अपने जानवरों के लिए तैयार कर लेंगे और हर 3 दिन के वक्फे के बाद अगर आप ये अपने जानवरों को दोस्तों ये मसाला देते रहेंगे तो आपके जानवर जो दूध देने वाले हैं वो दूध ज़्यादा देना शुरू करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और दूध के जो मसाइल होते हैं, मसलन थनों के जो मसाइल होते हैं, उससे भी आपके जानवर सेफ रहेंगे। और गोश्त वाले जो बछड़े या कट्टे अगर आप पाल रहे हैं तो वो कट्टे और बछड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से गोश्त बनाएंगे और ज़्यादा गोश्त बनाएंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो दूध से स्मेल आना शुरू हो जाती है जानवरों के दूध से, बाज़ औक़ात इस मसाला खिलाने की वजह से इंशाल्लाह वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। मुंह से जानवरों के अजीब सी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, गैस, अफारा और इस तरह की वाइबादी वाली जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मसाला हम आपको शेयर कर रहे हैं 14 आइटम्स पर मुश्तमिल है और ये 10 जानवरों के लिए ये हम एक खुराक तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास एक जानवर है तो इस खुराक का आपने 10वां हिस्सा तैयार करना है। अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो आपने फिर ये इसको फॉलो करना है। अगर आपके पास 20 जानवर हैं तो इसकी डबल खुराक आपने तैयार करनी है। और इसी तरह अगर जानवर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो मसाले की मकदार उसी हिसाब से आप बढ़ाते चले जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आइटम है उसमें पहला आइटम आप लिख लें कोड़तुम्मा। कोड़तुम्मा बहुत ही बेहतरीन एक आइटम है जो गैस, अफारा और इन सारे मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 10 जानवरों के लिए आधा किलो कोड़तुम्मा आप ले लें, नंबर एक। और नंबर दो सफ़ेद ज़ीरा दोस्तों आप ले लें, 10 जानवरों के लिए 1 पाव सफ़ेद ज़ीरा ले लें। और तीसरे नंबर पर अजवाइन ले लें दोस्तों, 1 पाव अजवाइन लेनी है। चौथे नंबर पर काला नमक लेना है आधा किलो, काला नमक आधा किलो, सफ़ेद नमक आधा किलो, और ये 5वें नंबर पर सफ़ेद नमक आधा किलो, क्वार गंदल 50 ग्राम आपने क्वार गंदल लेनी है जनाब, मीठा सोडा आपने 50 ग्राम लेना है, उसके बाद प्याज आपने 2 किलो लेने हैं। और ये सारी चीज़ें जितनी भी आप ऐड करते जाएंगे इनको अलग अलग कूट लेंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे। प्याज आपने 2 किलो लेने हैं, हल्दी आपने लेनी है आधा किलो, आधा किलो पिसी हुई, अगर पिसी हुई नहीं है तो आप उसको पीस लें या कूट लें, तो कच्ची हल्दी है तो फिर ज़ाहिर है फिर पहले आपने उसको कूट लेना है और फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं उसको और उसके बाद मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ मिर्च आप लेंगे आधा किलो, अदरक आप लेंगे आधा किलो, सब्ज़ धनिया आप लेंगे जनाब आधा पाव, सब्ज़ धनिया आधा पाव काफ़ी है, लहसुन जिसको आम जबान में थूम भी कहा जाता है तो लहसुन 1 पाव लिया जाएगा, और पुदीना 50 ग्राम 1 छटांग पुदीना लिया जाएगा। ये 14 आइटम्स बनते हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को कूट लें और इनको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद सारा जो एक मिक्सचर बन जाएगा उसमें से 100 ग्राम आपने लेना है, एक बड़ी गाय या बड़ी भैंस के लिए 100 ग्राम काफ़ी है, और 100 ग्राम आपने उसको खिला देना है। और 3 दिन के वक्फे के बाद आप इसको दोबारा से बना के तैयार करके
अपनी गायों को भैंसों को दे सकते हैं। बछड़े हैं, कट्टे हैं, अगर वेट थोड़ा कम है तो थोड़ा इसकी मकदार भी आप कम कर लेंगे, और अगर वेट ज़्यादा है और कुर्बानी के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इजाफा भी किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया ये 10 जानवरों की खुराक है, ये जो हमने आपको एक कम्बिनेशन बताया और वेट बताया हर चीज़ का 10 जानवरों के लिए है, और इन सारी चीज़ों में से 100-100 ग्राम आपने एक जानवर को देना है, और फिर 3 दिन के वक्फे के बाद रिपीट करना है। इससे वही बादी रीही गैस अफारा ये सारा ख़त्म हो जाएगा, दूध से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी और गैस की सारी बीमारियां ख़त्म होंगी, जानवर दूध बढ़ाएगा और गोश्त भी बढ़ाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।